इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड विभव की बात हुई, आप सभी को बताया गया है कि जब भी किसी विलयन में, मान लीजिए यहां पर कोई एक विलयन लिया गया और यहां पर इस विलयन के अंदर जो है किसी धातु की एक पत्ती या फिर बोल सकते हैं रॉड ली गई, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो रॉड ली गई है, जो पत्ती ली गई किसकी है, जिंक धातु यानी कि ZN धातु की। तो जिस धातु की पत्ती लिया आपने, अगर इस धातु की पत्ती को इसी के यहाँ पर विलयन में यानी कि इसी धातु के विलयन में डुबो दिया जाए, तो यहाँ पर जो है इस विलयन के सापेक्ष ये जो छड़ होगी या जो पत्ती होगी ये ऋणावेशित या फिर धनावेशित होगी। विलयन के सापेक्ष का मतलब, अगर मान लीजिए विलयन कैसा है, धनावेशित, अगर विलयन धनावेशित है तो छड़ ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर विलयन यहां पर ऋणावेशित है तो छड़ धनावेशित, और अगर यहां पर ये धनावेशित है तो छड़ भी विपरीत होगी। यानी कि बस इतना याद रखना है कि अगर विलयन धनावेशित है तो छड़ ऋणावेशित होगी, और अगर विलयन ऋणावेशित है तो छड़ जो होगी वो धनावेशित हो जाएगी। तो इसके विपरीत यहां पर होता है। तो यहां पर इस छड़ और यहां पर विलयन, इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो आपसे केवल परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है इसमें, सबसे पहले देखिए जितना मैं बताया हूं वही आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। तो वही बताया गया है कि जब धातु की पत्ती, ठीक है, आप इसकी जगह पर धातु के छड़ भी यूज कर सकते हैं, जब धातु के छड़ को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो छड़ है इसको स्वयं के आयन युक्त, जैसे भी मैंने छड़ कौन सी ली थी, ZN, जो विलयन लिया था वो ZN2+ आपको पहले बताया था। तो यहां पर जो छड़ ली जाएगी इसको स्वयं के आयन युक्त विलयन में जब रखा जाता है, तो जो धातु की पत्ती है ये विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित। तो विलयन के सापेक्ष का मतलब, अभी मैंने समझाया कि विलयन धनावेशित है तो छड़ ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर विलयन ऋणावेशित है तो फिर छड़ जो होगा वो धनावेशित हो जाएगी, इसके सापेक्ष जो है ऋणावेशित या फिर धनावेशित हो जाती है। तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य जो है यहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है, पत्ती और इसके अलावा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे यहां पर इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जब ZN के क्षण को, मतलब जिंक धातु के क्षण को ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसमें आपका ZN2+ आयन उपस्थित हो, ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसमें ZN2+ आयन हो, तो यहां पर विलयन की तुलना में जो धातु की छड़ होती है ये ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ZN2+ है, अभी बताया था मैंने, अगर ये धनावेशित है विलयन तो छड़ पर आवेश कैसा आएगा, ऋणावेशित आएगा, तो ये ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण जिंक की जो छड़ है और इसके अलावा विलयन के मध्य जो है एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे यहां पर ZN छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव जो है किस पर निर्भर करता है, तो वही बताया गया कि इलेक्ट्रोड विभव जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे बोल सकते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तो है यहां पर विलयन की सांद्रता पर, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो किस पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर, जो विलयन यूज हुआ है इसमें उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा धातु की प्रकृति पर, जो धातु ली गई उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, जो वैद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। और इसके अलावा ताप तथा दाब पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि ये इतने सभी कारक हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता सकते हैं।